हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से गेम प्ले लेके आए हैं और आज सारे गेम प्ले जो है वो एम कैरम के हैं, क्योंकि मेरे कुछ फैंस हैं जो चाहते हैं कि मैं एम कैरम से प्ले करूं, और कुछ हैं जो चाहते हैं मैं फेयर खेलूं, तो मैं दोनों ही गेम प्ले अपलोड करूँगा, फेयर भी और एम कैरम वाला भी। ठीक है, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। पहला गेम देखते हैं, पहला गेम लगा है खान भाई के साथ, ब्रेक हमारी है। एम कैरम में तो बहुत इजी होता है फिनिश करना, क्योंकि हर एक पॉकेट जो है हम लोग के सामने ही होती है, लाइन होती है, उससे आराम से पॉकेट कर सकते हैं हम लोग सब। तो इसमें हम बोल के क्या करेंगे, आप लोग ऐसे ही इंजॉय करो गेम को भाई लोग, और अगर अच्छा लगे गेम प्ले या कुछ सीखने को मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम कैरम से भी खेलना नहीं मालूम है किसी को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं एम कैरम से भी नहीं खेल पाते हैं, लूलू से भी नहीं खेल पाते हैं। और कॉइन बनाने के लिए भाई सबसे अच्छा एम कैरम ही है। देखो हमारा गेम कितनी जल्दी फिनिश हो गया, दूसरा गेम भी कनेक्ट हो गया है। सबसे अच्छा होता है कॉइन बनाने के लिए एम कैरम या बी टेम यूज़ करो, ईजीली बन जाता है कॉइन। सिंगापुर तो खेलना ही मत, सिंगापुर खेलने जाओगे सारे कॉइन चले जाएंगे। बेटर है न्यूयॉर्क खेलो या फिर कैरो गैलरी खेलो। देखो एकदम इजी, सब एकदम इजी ही होता है इसे खेलने के लिए, एकदम इजी। सारे शॉट जो होते हैं एकदम इजी होते हैं। देखो ब्रश शॉट, देखो बहुत इजी, इससे सब पॉकेट हो जाते हैं। फेयर में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, सोच के खेलना पड़ता है। इसमें पक्स जो है अगर फंसी भी हो तो बहुत इजीली सब निकल जाती है। देखो गेम, देखो खाली कनेक्शन शॉट, देखो एकदम इजी है सब। ये वाली भी इजीली, सब इजी रहती है। अगर एम कैरम से आप खेलोगे तो आपके लिए बहुत इजी है। देखो इजीली फिनिश हो गया ये भी गेम प्ले। फेयर खेलने से थोड़ी सी सोच के खेलना पड़ता है, पॉकेट जो होती है करने के लिए, पक्स जो होती है ब्लॉक हो जाती है। देखो ये भी हमारी ब्रेक आई है, ये देखो कितनी जल्दी फिनिश हो जाएगा। इजी ये सब शॉट, एकदम इजी शॉट है ये तो, इजीली आराम से ले लेंगे। ये देखो आराम से इजी से ले लिए, जितनी भी है पक्स दूर की सब उसको पहले ले लेंगे, उसके बाद फिर इजीली आराम से इसको। भाई का लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, दो आ गया तो कनेक्शन मारेंगे। देखो पूरा बोर्ड फिनिश है, इजी आराम से। भाई ने गेम दे दिया आराम से। नेक्स्ट गेम देखते हैं, नेक्स्ट गेम भी लगा है न्यूयॉर्क में। ये भी देखो कैसे हम लोग फिनिश करते हैं, एकदम इजी होगा भाई ऐसे। एम कैरम से तो इजी ही फिनिश हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एम कैरम में भी पक्स फंस जाती है, कुछ पक्स ऐसी फंस जाती है कि नहीं इंसान खेल पाता। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस एम कैरम से ही खेलना जानते हैं, तो उनको एक्यूरेट जो रहता है वो लोग पता नहीं लगा पाते। बहुत सी पक्स ऐसी होती है जो एम कैरम की लाइन जिसमें शो नहीं करती है, वो अपना एक एम बैठा के मारना पड़ता है। हर किसी को नहीं पता होता, जो कैरम फेयर खेलना भी जानते हैं उन लोगों को पता होता है। एक और गेम लगा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। ये भी हम लोग अब आसानी से फिनिश कर देंगे, कलर चेंज कर लिए हैं लेज़र का। ये एम कैरम का न्यू अपडेट आया है जब से, इसमें भी बीट एम की जैसा लेज़र लाइन दे दिया है, नहीं तो पहले वाइट लाइन ही होती थी इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर भी लाइन जो है लेज़र लाइन दे दिया, तो कलर आप चेंज कर करके खेल सकते हैं। अब अच्छा लग रहा है, बीट एम से कंपटीशन है, और एम कैरम ने भी फ्री कर दिया है अब अपना वर्जन। फ्री यूज़ करना है तो आप ऐड देखिए और यूज़ करिए, सेम बीट एम के जैसा ही कर दिया है। ये तो पहले बी टेम में फ्री था, एम कैरम में पैसा लगता था। देखो ये गेम भी देखो हम लोग कितना इजी फिनिश करेंगे, इसको भी बहुत इजी फिनिश होगा। इसको स्लो से मारेंगे नहीं तो पक्स फंस सकती है। देखो
सब इजी फिनिश होगा। इसको मारेंगे अपने आप जगह बन जाएगी, ये देखो बन गई जगह। अब इसको इजी लास्ट शॉट लेंगे और उससे पहले ही फाइनल दे दिया गेम। अब सिंगापुर का गेम लगाया, ये गेम देखो मज़ा आएगा। इस गेम के अंदर अपनी जो रहती है एक कनेक्शन शॉट लेने जाते हैं, एक ब्रश शॉट मारने जाते हैं, अपनी पक जो रहती है नहीं जाती है, भाई का टर्न आ जाता है, फिर देखना भाई कैसे फिनिश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखिए मज़ा आएगा। अभी तो गेम प्ले अपना है, चल रहा है, अपनी टर्न है, जगह तो बन नहीं पा रही है, ट्राई कर रहे, जगह नहीं बन रही है। अब जाके थोड़ा पोजीशन मिला है, उसके बाद भी सारी पक्ष जो है देखो सामने वाली पक्ष तो फंसी हुई है, क्वीन को कनेक्शन मार रहे हैं, देखो सामने तो वो जाके फंस गई दो पक्ष। अब इसको देखो ब्रश शॉट मारने जाएंगे, टच हो जाएगा, ये देखो टच हो गया, भाई का टर्न आ गया है, देखो भाई कैसे फिनिश कर रहे हैं। बहुत कोशिश करेंगे, उनकी एक पक्ष जो फंसी हुई है मेरे पक्ष के साथ सटी हुई है हम लोग के राइट साइड में, उसको देखो उसको रिलीज़ करने की बहुत कोशिश करेंगे पर रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ से भी चूक गए, अब और ट्राई करेंगे, इससे ट्राई करेंगे, इससे भी नहीं हुई। देखो भाई को ब्रश शॉट मारा उन्होंने, सब एम कैरम बीट एम से ही खेलता भाई, हम लोग खेलते तो लोग बोलते हैं फेयर काहे नहीं खेलते हो, देखो इधर देखो सिंगापुर और न्यूयॉर्क सब एम कैरम से ही खेलता है भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं बट उनका जो है पक रिलीज ही नहीं हो रहा है, देखो क्या करते हैं। ये देखो शॉट, देखो लास्ट में अब उनकी आखिरी पक बची है, भाई कोशिश कर रहे हैं कैसे मारें, जगह बना रहे हैं, देखो अपनी टर्न आ गई, मुझे तो यकीन नहीं था कि आएगी टर्न बट आ गई, अब हम लोग फिनिश कर देंगे इसको इजी, लास्ट वाली भी आराम से खेल देंगे, मतलब चिपकी हुई है, देखो जीत गए हम लोग। एक लास्ट ये गेम प्ले है सिंगापुर का, इसमें देखिए ओपोनेंट का टर्न है भाई का, लो भाई ने सोचा ब्रेक में जाएगी बट नहीं गई, अपना टर्न आ गया है, बहुत आसानी से ये फिनिश होगा, देखो बहुत इजी फिनिश होगा। एक पक्ष फंस गई हमारी लेफ्ट साइड में, उसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, देखो रिलीज़ हो गई। अब अपने पास पोजीशन नहीं है किधर से मारे, हर तरफ से ब्लॉक है, एक दिख रहा है एक शॉट, इसको ब्रश करके मारेंगे, देखो ये रिलीज हो गई पूरी, लगता है भाई का नेट प्रॉब्लम है, नेट ही प्रॉब्लम है उनका, कनेक्शन चला गया लग रहा है। हम लोग को तो ऑटो विन मिल जाएगा, देखिए ऑटो विन मिल जाएगा और ये गेम हम लोग जीत जाएंगे। ये ठीक है भाई लोग, ये वीडियो यहीं तक ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके थैंक यू।